एक ध्यानी मोंग जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, दो जून की रोटी भी जुट नहीं पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहां बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, हम यहीं की जलाऊ लकड़ियाँ काट काट कर जिंदगी बिताते रहे, कभी यह न सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है, अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही ना पड़ती, बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो आगे नहीं गए, तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मुझे समझ ही नहीं आया, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था, बिना कुछ सोचे वह भागा। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी, वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदानें थी, इतना सोना जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। दोस्तों, उस लकड़हारे की तरह हमारी ज़िंदगी में भी सोने की एक खदान है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की। और हमारे लिए वह सोने की खान है हमारा माइंड, हमारी नॉलेज, और इससे कीमती हमारी ज़िंदगी में और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन हमारी नॉलेज निखरती है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर बार नई बुक्स खरीद कर लाएँ व उसे अलग से टाइम निकाल कर पढ़ें। कई बार तो हम बुक्स खरीद भी लाते हैं पर वो ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता उन्हें अलग से पढ़ने का। हमारी यह प्रॉब्लम सॉल्व करता है कुकू FM। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सैकड़ों अलग अलग टाइप की बुक्स की ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप इन ऑडियो बुक्स को किसी भी लोकल लैंग्वेज जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी सुन सकते हैं, वो भी किसी दूसरे काम को करते हुए अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुकू FM पर कुछ ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ जो अभी रिसेंटली मैंने भी सुनी है और मुझे काफ़ी पसंद आई, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक लाइक अ मॉन्क। कुकू FM के पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ में मिल जाएगा, जहां पर आप ऐसी सैकड़ों ऑडियो बुक सुन सकते हैं रोज़ लगभग 1 रुपये के प्राइस पर। लेकिन अगर आप मेरा कोड WI50 यूज़ करेंगे तो फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 199 रुपीज़ में पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन।
मैं डिस्क्रिप्शन व पिंड कमेंट पर ऐप की लिंक दे देता हूँ, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, अब हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था, तो उसे फिर वह ध्यानी मॉन्क मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मॉन्क ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूँ और क्या है। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे यह सवाल ही ना आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहाँ हीरे की खदानें मिलेंगी। जब वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था, तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही ध्यानी साधु मिलता है। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तू हीरो में ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी। बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तो मुझे परेशान ना करो, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। उस मॉन्क ने कहा, हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा। इसको हीरों से भी आगे, हीरों से भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यह यहाँ निश्चिंत पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे यह कभी विचार नहीं आया। उस साधु की बात सुन वह सेठ रोने लगता है और उस ध्यानी मोंग के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख ही नहीं पाया कि जिसने यह सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही ना आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह ध्यानी मॉन्क उससे कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब ना दृष्ट बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य होगा। और उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, यदि आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है, मन बार बार भटकता है, तो कुकू एफएम पर 11 दिन का एक कोर्स है पावर ऑफ मेडिटेशन के नाम से, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। यह आपका माइंडसेट डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।